Hey guys, assalamu alaikum, I'm Sana Aman and welcome back to another video. So guys, video का title देख के आपको पता चल गया होगा video का topic कौन सा है. तो रमज़ान में मेरे nephew की birthday थी और quarantine था, बाहर नहीं जा सकते थे. तो मैंने shopping की थी, online shopping की थी, कुछ decoration का सामान मंगाया था. उसके price थे 4,270 और उसको मैंने order किया था पार्टी जॉय सप्लाई से, जो कि इंस्टाग्राम पे इनका पेज अवेलेबल है. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, मैंने कुछ सेलेक्ट की थी और वो मैंने ऑर्डर कर दी थी. कुछ चीज़ें सामान डेकोरेशन का मेरे पास घर पे ऑलरेडी अवेलेबल था. तो मैंने क्या ऑर्डर किया था, सबसे पहले मैंने ये एक जो है बैनर ऑर्डर किया था जो कि हैप्पी बर्थडे का था. कुछ इस तरह की कि मेरे को कर्टन रिसीव हुआ और इसके अलावा बलून्स हैं, ये जो कि मेरा थीम था, दी बॉस बेबी का मेरा थीम था. और इसके अलावा टेबल कवर हैं जो कि प्लास्टिक वाले हैं, वाइट और ब्लू कलर के. इसको मैंने एज अ बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ किया था. और इसके अलावा कुछ बलून्स हैं और केक टॉपर्स हैं, वो मैंने ऑर्डर किए थे. टोटल सामान जो था 4,270 तक का था. और सबसे पहले मैंने क्या किया, ये दो प्लास्टिक के जो थे टेबल कवर थे, इनका मटेरियल इस तरह का था कुछ, और पेपर नहीं है बिल्कुल भी. इनको मैंने जिस तरह फ्रॉक पे प्लेट्स देते हैं वैसे ही प्लेट दे के और उसको सिलाई कर लिया था, और बिल्कुल चुनटें दे के ऊपर से सिलाई कर ली थी वाइट और ब्लू दोनों को. ठीक है, वैसे एक एक था. और मैंने क्या किया, ब्लू को सेंटर पे रखा, वाइट के दो सेशन किए और फिर उसको ब्लैक किया था. कैसे किया था वो भी दिखाती हूँ. इसके अलावा ये बैनर है जो कि हैप्पी बर्थडे का, और इसके साथ ही इसकी एक रिबन मिली गई है और ये होल पंच हुआ गया है, इसमें से पास करके इसको लगाना है. ठीक है, इस तरीके का ये बैनर है हैप्पी बर्थडे का, जिसमें सेंटर पे आएगा थी बॉस बेबी की जो पिक होगी वो आएगी. और इसके अलावा ये कर्टन जो था वो मैंने इस तरीके से अप्लाई किया था, कर्टन को इस तरीके से कर्टन लगा के बलून्स लगाए थे हैप्पी बर्थडे का, इस तरीके का थीम मैंने बनाया था. और इसी के बैकग्राउंड में मैंने फेरी लाइट्स लगाई थी और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी. कर्टन मैंने क्या किया, टेबल कवर था उसको सेंटर पे ब्लू वाले को रखा और साइड पे दो वाइट को बीच में से कट करके साइड पे वाइट को रख दिया और बहुत ही खूबसूरत सा ये लुक बन गया था. ठीक है, और इस तरीके से ये हैप्पी बर्थडे लगा दिया. और इसी के साथ छोटी छोटी सी पिक्स डेवलप करके प्रिंटर से निकाल के, वो भी छोटी वाली जो होती हैं क्लिप्स, उसके ज़रिए मैंने इसमें अटैच कर दी थी, वो भी मैं आपको आगे दिखा देती हूँ. सेकेंड साइड पर दूसरी तरफ मैंने जो बॉस बेबी के जो बलून्स थे वो मैंने स्टार और उनके जो जो थी झंडियाँ टाइप से थी बॉस बेबी की, वो भी मैंने लगा ली थी. और साथ में इस तरीके के बलून्स मैंने लगाए हैं और इस तरीके की डेकोरेशन मैंने टोटल की थी. और ब्लू और ब्लैक एंड ग्लिटर वाले जो थे बलून्स थे, टोटल 100 का पैक था. सब सामान मिला के 4,700 तक का था. और इस तरीके का ये पूरा डेकोरेशन मैंने की है. मैंने उनको भी टैग करना है कि उनका पेज बहुत ही ज़्यादा क्वाइट एक्सपेंसिव था, बट बहुत ही अच्छा सामान मुझे रिसीव हुआ है. इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी हो, बाहर नहीं जा सकते, तो आप इस तरीके से ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम से. और इस तरीके की मैंने कटिंग करके सेकंड साइड पे भी जो कर्टन था उसको मैंने हाफ कट करके और यहाँ पे भी एक बंच लगा दिया था. तो इस तरीके की खूबसूरत सी डेकोरेशन थी. केक मैंने घर पे बना लिया था और केक टॉपर्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके के केक टॉपर्स थे. तो ये थी टोटल इसकी डेकोरेशन और इस तरीके की जो मैंने चीज़ें परचेज़ की थी, ऑनलाइन शॉपिंग की थी इंस्टाग्राम से और पार्टी जॉय सप्लाइज के नाम से. वहाँ पर भी मैं उनको टैग कर दूँगी, अगर आप वहाँ पर हो तो वहाँ पर भी ईज़िली आप ढूँढ सकते हो. तो गाइज़ ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग क्वारंटाइन की बर्थडे. उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी. मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना. अल्लाह हाफिज़.